हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी वाला। और आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि व्हाट इफ आई कुडंट क्लियर जेई, नीट और सीयूईटी। काफी सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि सर हम ड्रॉपर हैं, सर इस बार भी नहीं हुआ तो, या फिर कि अभी हम ट्वेल्थ में हैं, साथ में कैसे प्रिपरेशन करें, नहीं हो पाएगा तो। उन बच्चों के लिए ये मेरा आज का वीडियो रहेगा, और उन बच्चों के लिए भी जो ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। कौन से प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं, लाइक IIT, NIT, एम्स, DU, JNU, ये प्रोमिनेंट कॉलेजेस। आपने इलोन मस्क का नाम सुना है, वर्ल्ड की रिचेस्ट पर्सन। इलोन मस्क, जेफ बेजोस कौन है, अमेज़न के हैं। बिल गेट्स, क्या ये सब किसी IIT से पढ़े हुए, किसी एम्स वगैरह या DU, JNU ऐसे किसी से? नहीं ना। अब मैं कुछ इंडियंस पे आ जाता हूँ। गौतम अडानी गुजरात यूनिवर्सिटी से सेकंड ईयर में ही ड्रॉप आउट, वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है आज के डेट। मुकेश अंबानी, वो भी किसी IIT, NIT, एम्स, DU, JNU से नहीं पढ़े। फिर अगर मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर, 10th पास। विराट कोहली 12th पास। अरिजीत सिंह, जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में आज इतने बड़े सिंगर हैं, वो भी किसी ऐसे कोई टॉप कॉलेज से नहीं पढ़े। उसके अलावा अलक पांडे, नाम सुना है ना, फिजिक्स वाला के हेड, वो भी एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़े, 4th ईयर में ड्रॉप आउट हो गए। तो इन सब से हमें क्या सीखने को मिलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी IIT, NIT या एम्स या DU, JNU से पढ़ोगे, BHU, तो ही आप जो है कुछ लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे। इन लोगों ने प्रूव किया है कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन आप जो ठान लो उसमें आपको हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना होगा, तभी आप जो है इतने सक्सेसफुल बन पाओगे। अलग सर ने इतनी मेहनत की, भले ही वो IIT नहीं क्लियर पर कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन आज IITians उसके अंडर में काम करते। तो आपको बिल्कुल भी बिठाइए डरने की नीड की, अगर मेरा नहीं हुआ है तो मेरी लाइफ खत्म हो गई या सब कुछ खत्म हो गया, अब लोग मुझे ताने मारेंगे, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं डरने की। तो अब आप ये सोच के मत रुक जाना एग्जाम देने से कि हाँ मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हार्डवर्क कर लूंगा ये वो, क्योंकि देखो इन कॉलेजेस से भी जो पास आउट होते हैं, जैसे मैं बात करूँ अमिताभ बच्चन, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े, आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आर फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन, वो JNU से पढ़े, शशि थरूर दिल्ली यूनिवर्सिटी, सुंदर पिचाई CEO ऑफ गूगल, वो IIT खड़गपुर से पढ़े हुए, पराग अग्रवाल एक्स CEO ट्विटर IIT बॉम्बे। तो ये लोग आज सक्सेसफुल भी हैं और इन कॉलेजेस से पढ़े हैं जिनकी मैंने अभी बात की। तो आखिर क्या होता है इन कॉलेजेस में जाने से, यहाँ आपको क्या है कि अच्छी फैकल्टीज मिलती है, काफ़ी अच्छी एजुकेशन मिलती है, एक अच्छा आपका जो माइंडसेट है वो भी काफ़ी ब्रॉड होता है, आपकी थिंकिंग काफ़ी ब्रॉड हो जाती है। तो आपको जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, आपको जो है एक अच्छी एजुकेशन, अच्छे प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, काफ़ी फ़ायदा मिलता है आपको। फिर आपको फीस भी वहाँ काफ़ी कम लगती है, आपके पेरेंट्स पे भी बर्डन कम आता है, तो नो डाउट बेनिफिट्स काफ़ी है। आप अब वहाँ जैसे IIT से ग्रेजुएट हो रहे हो, तो सीधी सी बात है कि आपको बड़ी बड़ी कंपनीज आपको खुद हायर करने के लिए आगे से आती है, जबकि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में, कोई रिनाउंड कॉलेज ना हो तो क्या होगा, आपको जो है उन कंपनीज में अप्लाई करना होगा खुद से, फिर उनका अगर हायरिंग का प्रोसेस इस तरह का है या नहीं है तो काफ़ी आपको स्ट्रगल करना होगा, थोड़ा प्रॉब्लम आता है आपको। लेकिन अगर आप किसी IIT से हैं, एम्स से हैं, DU, JNU, तो आपके लिए लाइफ में करियर अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी इजी हो जाती है। अब जैसे मान लो कि किसी IIT से कोई पास आउट हुआ है बंदा, ठीक है, वो किसी एम्स से भी हुआ है, वो डॉक्टर बना है, MBBS किया उसने, मान लो कि आज के टाइम पे वो दोनों लोग जयपुर में पोस्टेड हैं, एक जो है IITian वो किसी MNC में काम कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी में, और जो एम्स से जिसने MBBS किया वो किसी टॉप वहाँ पे हॉस्पिटल में जो एक डॉक्टर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर में होता है, कलेक्टर क्या होता है, IAS ऑफिसर होता है, तो इनडायरेक्टली वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है इसके कलेक्टर के अंडर में रहते हैं। अब कलेक्टर जो है विजिट पे गए हॉस्पिटल पे, वहाँ पे वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वो उन्हें तुरंत बोलेंगे कि आप कहाँ हो, क्यों नहीं हो हॉस्पिटल में। अगर वो इसी तरह से रोज लेट आते हैं, हॉस्पिटल में टाइम पे आ नहीं रहे, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तो वो उन्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं। जैसे वो MNC कोई भी काम कर रही है, वो उस
सोसाइटी की जो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, उस जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के उनके अगेंस्ट है, तो वो उस कंपनी को बंद करवा सकता है कलेक्टर। क्लियर है? तो एक तरह से अल्टीमेट अथॉरिटी उस डिस्ट्रिक्ट की किसकी, भले ही कोई IITN हो या एम से पढ़ा हो या DU JNU से पढ़ा हो BHU से पढ़ा हो, ऊपर कौन आया? IAS। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप जो है अपने किसी भी नॉर्मल कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया, साथ साथ में आपने UPSC की प्रिपरेशन कर ली, UPSC क्लियर कर लिया, आप कल को IAS बन गए, IPS, IRS, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस क्लियर करके किसी कंट्री के एम्बेसडर बन गए, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो उस कंट्री में, ये भी आप कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल मैं दूं, आप गूगल करना IPS मनोज कुमार शर्मा, आप गूगल करोगे जब IPS मनोज कुमार शर्मा के बारे में, तो आपको पता है वहां क्या देखने को मिलेगा, वो 12th में फेल हो गए। आप तो फिर भी शायद देने की 12th पास कर चुके हो या फिर कि आप क्लियर कर लोगे, वो तो 12th में फेल हो गए थे, फिर भी उन्होंने मेहनत की और अपने फाइनल अटेम्प्ट में UPSC क्लियर किया और आज वो मुंबई में एडिशनल पुलिस कमिश्नर, और कुछ ही टाइम में वो मुंबई पुलिस कमिश्नर बन जाएंगे, जो कि कभी 12th में फेल हो गया था, आज वो मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनने वाला है। तो लाइफ रुक नहीं जाती बेटा, आप जरूरी नहीं कि ये नहीं क्लियर कर पाए, आप फिर भी लाइफ में बहुत कुछ आगे कर सकते हो, जो ये IIT एम्स वाले भी नहीं कर सकते, DU JNU वाले भी नहीं कर सकते, उनसे भी ज्यादा आप कर सकते हो, बस आपको हार्डवर्क करना होगा। यहाँ हार्डवर्क नहीं करोगे तो वहां बाद में करना होगा, कभी ना कभी आपको लाइफ में हार्डवर्क करना होगा अगर आपको जो है लाइफ में सक्सेसफुल होना है, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। अमिताभ बच्चन आज भी हार्डवर्क करते हैं, KBC में जाते हैं, मूवीज बनाते हैं, आज भी वो कर रहे हैं। तो आपको जो है लाइफ में हार्डवर्क का तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, अभी नहीं कर पा रहे हो या लक फैक्टर से नहीं हुआ या फिर प्रेशर है कॉलेज ज्वाइन करने का, और आपने कोई नॉर्मल कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ साथ में अपना UPSC की प्रिपरेशन करते रहो। और अगर आप UPSC भी नहीं कर पा रहे हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो ये जो IAS वगैरह होते हैं IPS, ये किन्हें रिपोर्ट करते हैं पता है? मंत्री जी को, नेता को, MP MLA। आप नेता बन जाओ, कॉलेज में जाओ, वहां पे आपको मान लो कि आपका बैकग्राउंड नहीं है ऐसा कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है आपकी फैमिली का, आप कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन होता है वो फाइट करो, कॉलेज में प्रेसिडेंट बनो, स्टूडेंट्स के प्रेसिडेंट बनो स्टूडेंट यूनियन के, तो आपका जो है इनडायरेक्टली आप पॉलिटिक्स में आगे, फिर आप जो है उसके बेसिस पे आप आगे जो है MLA का टिकट भी ले सकते हो, MP का टिकट भी ले सकते हो, थोड़ा अपना जो है अपने एरिया में आप लोगों से मिलो करो। तो आप जब नेता बन गए तो ये जो IAS वगैरह थे वो भी आपको रिपोर्ट करेंगे कि सर ये फाइल है, आप जो है असेंबली में ये बोल देना, ये कर लेना, आप पार्लियामेंट में ये बोल देना, वो रिपोर्ट नेताजी को करते हैं। तो अगर आपको जो है अगर आप UPSC भी नहीं कर पा रहे हो, आप नेता बन जाओ। आपने देखा होगा नेताओं के बच्चे क्या बनते हैं, वो भी नेता ही बनते हैं, कभी वो ये नहीं कि UPSC क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट पावर किसके पास है? नेताजी के पास। और अगर आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, नेताजी किसके पास जाते हैं? आश्रम सीरीज देखी है MX प्लेयर पे? नहीं देखी ना, कोई बात नहीं, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल गुरु नेताजी आएंगे कि बोलेंगे कि गुरुजी या जो भी है मौलाना जी जो भी है, हर रिलीजन में होते हैं, क्या बोलेंगे कि पिछली बार मुझे टिकट नहीं मिला, इस बार क्या मुझे टिकट मिल जाएगा? वो फिर कहेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, हरी चटनी नहीं खाई, हरी चटनी खा लो, कृपा वहीं से अटकी, आपको टिकट मिल जाएगा इस बार MLA का या MP का, वो भी स्कोप है। ये सब नहीं कर सकते तो वो भी आप बन सकते हो। खैर जोक सपाट, तो आप जो है अगर ये एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हो बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत करो, क्योंकि ये आप कर लोगे तो आपके लिए आगे की चीजें बहुत स्मूथ हो जाएगी। आपको लाइफ में हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो बस मेरा इतना ही कहना है, अगर आप इनकेस ये क्लियर नहीं कर पाए हो तो भी बेटा गलत थॉट अपने दिमाग में मत लाओ। गलत थॉट का मतलब ये है कि सुसाइड करना या फिर कि डिप्रेशन में चले जाना या परेशान हो जाना, ऐसी कोई चीज मत कर। कोई बात नहीं, खुद को प्रिपेयर करना कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ और मैं हार्डवर्क आगे करूँगा या करूँगी और मैं ये UPSC क्लियर करूँगा या मैं नेता बनूँगा, ये आप कर सकते हैं, ठीक है? सो चॉइसेस